हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि अगर आप मेडिकल स्टोर की या फार्मेसी की लोकेशन चूज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम सेल की बात करते हैं, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो, तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। तो कुछ फैक्टर होते हैं मेडिकल स्टोर के लिए भी जो आप कंसिडर कर सकते हैं, कुछ आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी उसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी क्या नहीं रहेगी। कुछ जो फैक्टर्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा वो ये रहेगा कि उस एरिया में जहाँ आप मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हो वहाँ पे पहले ही कोई हॉस्पिटल है या नहीं है। अगर हॉस्पिटल है तो वो सिंगल स्पेशलिटी का है, मल्टी स्पेशलिटी है। और दूसरा जो आपको मेन चीज कंसिडर करने वाली है कि अगर हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर है तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन बाहर आती है या नहीं आती है। अगर उनके इंटरनल ही मेडिकल स्टोर है वही सारे डिमांड पूरी कर देता है, वहीं से सब परचेज करके चले जाते हैं और बाहर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं आती, तो फिर आपके लिए वो लोकेशन ज़्यादा बेटर नहीं रहेगी मेडिकल स्टोर के लिए। अगर प्रिस्क्रिप्शन बाहर आती है और नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी ज़्यादा है और आपको लगता है कि वहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि प्रिस्क्रिप्शन बाहर भी आ सकती है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हो, एक्स्ट्रा सेल देते हो, जो भी एबीसी कोई भी मैटर हो सकता है उसके हिसाब से, तो आप उस लोकेशन को चूज कर सकते हो। सेकेंड जो फैक्टर रहता है कि अगर कुछ एरियाज में क्या होता है कि डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे ऑलरेडी अच्छी पॉपुलेशन है, अच्छी क्राउड है, तो ये भी एक बड़ा बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि कुछ बहुत सारी ओटीसी ड्रग्स या दूसरी भी पर्टिकुलरली थोड़ी बहुत जो रेगुलर यूजेज की मेडिसिन होती है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट में वहाँ पे बिक सकती है, तो एक अच्छी सेल आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो अगर हम दोनों चीज़ों को, आपकी जो लोकेशन है दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करती है, या तो वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह है, डॉक्टर्स वगैरह है, या वहाँ पे अच्छी पॉपुलेशन है, अच्छी क्राउड है जो आपका कस्टमर हो सकता है, तो उसके बाद आप एक चीज़ और कंसिडर करने की जरूरत है, वहाँ पे ऑलरेडी कितने मेडिकल स्टोर या फार्मेसी अभी एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे एक अच्छी डिमांड हो लेकिन वो मार्केट मेडिकल स्टोर से सैचुरेटेड हो चुकी हो, तो आपको ये भी कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप वहाँ पे मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं या फार्मेसी खोलने जा रहे हैं तो क्या आपको भी वहाँ से सेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, या मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है कि वहाँ पे आप और किसी मेडिकल स्टोर का ज़्यादा स्कोप नहीं है, जो पहले ही वहाँ पे मेडिकल स्टोर और फार्मेसी प्रेजेंट है वही सेल से जूझ रहे हैं, उनको ही इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सेल नहीं आ रही है, और अगर आप भी खोलेंगे तो आपको भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो कुछ ये फैक्टर है जो आप कंसिडर कर सकते हैं जब अपना मेडिकल स्टोर आप खोलने जाते हैं। तो और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस्तेमाल करके अपनी जो मेडिकल स्टोर है, जो फार्मेसी है, उसको चूज कर सकते हो। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।